विमान का निर्माण दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में माना जाता है। इस आविष्कार ने विश्व की काया पलट कर रख दी। कई घंटों का सफर मिनटों में कर दिया। लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि जब विमान हादसा होता है तो व्यक्ति के मरने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इतिहास में कई बड़े विमान हादसे हो चुके हैं जिसमें बैठे सभी या अधिकतर यात्रियों को मौत को गले लगाना पड़ा। इनमें से कुछ ऐसे भी हादसे हैं जो अपनी कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के लिए काफी चर्चा में रहे और इतिहास के पन्नों में अलग नाम दर्ज कराया। आज के वीडियो में आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। यह दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन दो खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। ये टीम चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को संभावित खतरा नजर आने लगा था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ना जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफानी रफ्तार में प्लेन के एंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। हादसा इतना जोरदार था कि पहाड़ से टकराते ही विमान के दो पंख और पीछे वाला भाग क्षतिग्रस्त होकर कट गया, वहीं बाकी का हिस्सा पहाड़ से नीचे जाकर गिरा। जहाज का मलबा समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर जाकर अटक गया, जहां बचे हुए लोगों ने बेहद ठंड का सामना किया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज की हड्डियां कंपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगभग 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि एंडीज के विषम मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वो ज्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन से एक मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके, फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में उनका भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे और हादसे को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो दो रग्बी प्लेयर्स नेंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली के आबादी वाले क्षेत्र तक पहुँच गए जहाँ दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरोडा ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस विमान हादसे में 16 बचे लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया था। वहीं कहा जाता है कि उन बचे हुए लोगों ने खुद को जिंदा रखने के लिए मरे हुए लोगों का मांस खाया था, क्योंकि उनके पास जो कुछ खाने का सामान बचा था वो खत्म हो चुका था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाते। तो दोस्तों, फ्लाइट 571 के हादसे के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।